फरीदकोट के कार्यकारी सैशन जज हरबंस सिंह लेखी ने कोटकपूरा गोलीकांड च एस पी बलजीत सिंह सिद्धू और तत्काली एस एच ओ गुरदीप सिंह पंधेर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस नाल ही विशेष जांच टीम ने गुरदीप सिंह पंधेर नू बैबल कलां गोलीकांड च दोषी वजो नामजद कर लिया है। फैसला है उन्हें एक कोटकपूरा गोलीकांड होया सीगा 2015 च, उहदे विच एस एच ओ सी उस वेले इहदा हिस्सा कोई नहीं सी उहदे च, ना ही होने कहिंदे कि उन्हें उस दे विच हिस्सा लिता। इन्होंने कहा कि जी उहदे विच जिहड़ा वरत्या हुआ कारतूस खूल कारतूस ने इन्हें जमा कराए, तो एक इन्हें एक रपट उहदे विच रजिस्टर नंबर 19 च जमा कारतूस गलत दिखाए है। इस गल करके 120 बी च रख के नाल रखे है, कहते जे वो दफे मेन है 307 वगैरह वाले सारे उन्होंने ये नहीं मुलजम है। ये आए हैं जी, ये असी जो 8-9 तरीक न इस 192 नंबर कोटकपूरा गोलीकांड से जमानत की अर्जी लाई, तो बहस 13 तरीक ते आई। 13 तरीक न जो बहस आई तो इन्हों खतरा हो गया कि जमानत ना हो जाए, क्योंकि मामूली दफे है 10 का खोल कारतूस का दफा है, तो एंट्री का दफा है। इन्होंने वो 195 ला दी कि जी इन्हें सबूत भी बनाए थे कि जी उन्होंने सज़ा कराने वास्ते, असी वो भी अर्जी लाती। वो जज साहब ने सारा गल साड़ी तो प्रेरित होके कि भी गल बनती है, उन्होंने आज की तरीक पा दी 15। जो अच्छ 15 दिन अज फिर इन्हें खदशा हो जज साहब करना देन कि जमानत करनी ना पै जाए जज साहब न, उस करके इन्होंने 130 नंबर FIR जी बैबल कांड नाल तलक है। जदों के गुरदीप सिंह पंधेर कभी बैबल या बाजेखाने थाने गया नहीं, लगा नहीं, कोई मतलब नहीं, वो 120 भी लिख के जेल च मर्जी पा लेंगे। आ है मनिया जा सकता कि हम सीधा सीधा उस बैबल गोलीकांड नाल भी जरा जोड़ के नामजद कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो ठीक है जी, नामजद तो कर ही दिता, ये तो कोई रौला ही नहीं। नहीं जी, 120 भी इन्होंने को साजिश, वो जेडे मर्जी थान पर ला लेंगे, बस जनरल पुलिस को अख्तियार बयान ही दो लिखने जी। देखो जो देखो ना तो कागजों में गुरदीप सिंह पंधेर की बाजेखाने की हाजिरी विखा सकते हैं, ना उत्थे पोस्टिंग दिखा सकते हैं, ना इन्होंने अज तक ना ईवन चलो आप कही सारा जरा बैबल कांड है उस ऑनरेबल जस्टिस रणजीत सिंह की वो घूमता है कमीशन की रिपोर्ट पर, वो जे इस बंदे का नाम थे भी है नहीं, छिट भी है नहीं। ये तो हुण सिर्फ जिवें आपां कह मैनू कहना नहीं चाहिए इस ते कमेंट, क्योंकि प्री ट्रायल है, ये बदला लोग नीति चलनी पई है। देश दुनिया ते कोरोना महामारी का असर, इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वेब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही। कलम दी ताकत ते वेब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज, हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तां पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तों बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी के नाल।